छोटे कृष्ण कुठे आहे? सबसे पहले तो जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं उन सभी लोगों को मेरा प्रणाम और बहुत सारा प्यार। आज मैं एक फ़िल्म की, बहुत सारी पेंडिंग फिल्म्स हैं जिसकी डबिंग पूरी कर रही हूँ, और ये उनमें से एक फ़िल्म है जो कि निरहुआ जी के साथ है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म थी। मैंने सोचा फटाफट काम निपटाया जाए। आई थिंक स्टार की जहाँ तक बात करें तो मैं स्टार के एस पे भी नहीं पहुँची हूँ, बट हाँ, अगर भोजपुरी में बात की जाए तो सभी के साथ कंफर्टेबल हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है। बट हाँ, स्टार की बात की जाए या एज अ ह्यूमन बात की जाए तो मैं खुद की फेवरेट हूँ। उसके अलावा निरहुआ जी हैं, इज़ अ वेरी गुड एक्टर, एंड अलॉन्ग विद दैट खेसारी जी ऑल्सो। लाइक देखिए, मैं रील ऐसा कुछ प्लान करके नहीं बनाती हूँ, बट हाँ, यू नो, अचानक से मूड हुआ और कहीं से फैंस के मैसेजेस आ गए कि आप इस पे बनाओ, इस पे बनाओ, तो उनकी फरमाइश पे कुछ ना कुछ यू नो कोशिश कर लेती हूँ। दैट्स ग्रेट, आई एम सो हैप्पी फॉर हर, और कंग्रेचुलेशंस तेजा, एंड बेस्ट विशेस आपके आगे करियर में। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ आपको, और इट्स वेरी गुड, यू नो, एंड ऑफ द डे जो डिज़र्व करता है वो जीतता है। सो ना सिर्फ उनको, जितने भी तमाम लोग हैं जो टॉप 5 में आए, उन सभी लोगों को, इवन रश्मि जी के लिए आई फेल्ट वेरी बैड, बट देन शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, और आई थिंक उनका भविष्य आगे और भी यू नो बहुत ब्राइट है। उसके अलावा प्रतीक ऑल्सो, प्रतीक ने भी बहुत अच्छा किया है, तो ही टॉप 2 तक पहुंच पाए, और करण कुंद्रा जी एंड शमिता जी ऑफ कोर्स, तो सब ने बहुत अच्छा किया है, बट कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। मैं जितने भी लोग थे, मेरे ख्याल से निशांत भाई तो अभी बाहर निकला है, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ही इज़ माय ब्रदर नाउ, एंड एक अच्छा रिश्ता और एक अच्छा वक्त हमने साथ में गुजारा है, तो एक वो हो गया। उसके अलावा गाबा मेरा फेवरेट रहा है, और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, और यू नो अक्सर मौका मिलने पर हम लोग मिलते हैं, और अच्छी टॉकिंग टर्म्स है, और शायद ये रिश्ता आगे लंबा चले। बहुत सही लगा, बिकॉज यू नो टॉप 5 में आने के बाद वो घर ऐसा है ना कि आपको कभी भी कुछ भी करने पे मजबूर कर सकता है, यू नो वो वाइब और वो अंदर की चीज़ें जो हैं। सो जो भी उनका फैसला था वो बहुत सही रहा, और टॉप 5 में ऐसे भी जीतने वाले तो थे नहीं, जीतने वाली थी तेजा, तो भाई मेरा बिल्कुल सही डिसाइड किया, और एकदम करेक्ट टाइम पे उन्होंने बैग उठाया और यू नो निकल गए। जितना नाम हालांकि उन्होंने कमाया है, जितना नाम बना लिया इतने यू नो बिग बॉस के सफ़र में, बहुत ही खूबसूरत पल गुजारे हैं, और बहुत लोगों को ये जानने को मिला कि हु इज़ निशांत भट्ट, और या उनका यू नो नेचर कैसा है, या वो एज अ कोरियोग्राफर जो जिस तरीके से पूरे कोरियोग्राफर्स को यू नो रिप्रेजेंट कर रहे थे। सो बहुत सी चीज़ें देखने और सीखने को मिली है उनको भी, और आई होप आगे का जो भी सफ़र रहेगा उनका वो बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। ही इज़ फैंटास्टिक। आ रही हूँ अभी भाई से मिलने, मैं जा रही हूँ बस। आपने घेर रखा है ना, तो मैं वहीं जा रही हूँ। ऑडियंस से मैं कहना चाहती हूँ कि अब तक आपने बहुत सारा प्यार दिया है, और जो भी छोटी मोटी कलाकार हूँ आपके सामने खड़ी हूँ आज, वो आपकी ही बदौलत। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों से कि आप अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए, और मैं इसी तरीके से कुछ ना कुछ यू नो
अच्छा करके या एंटरटेनिंग करके आप लोगों को एंटरटेन करती रहूंगी और बहुत मेहनत करूंगी अपनी कमियों को सुधार। मन उसके ख्याल में ही खो जाता है, अरे ऐसे ही प्यार यार हो जाता है, आके सपने में मेरे सताने लगा, धीरे धीरे वो दिल में समाने लगा। सच सच बताती हूँ मन आ गया, फलनवा के बेटा पसंद आ गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टॉकिंग यू। जाते जाते ले लो, आगे से कवर कर लो।